आपको पांच ऐसे स्टॉक बताने जा रहा हूँ जहाँ आप यदि पैसे लगाते हैं तो आने वाले समय में आपको इतने रिटर्न देंगे कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन इन पांचों कंपनियों में उतने रिस्क भी हैं, मतलब आप पैसे लगाते हैं तो ये कंपनी कब बंद हो जाएगी, कब इसका ट्रेडिंग ख़त्म हो जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए ये बहुत रिस्की और रेड जोन अलर्ट वाला स्टॉक इसको कह सकते हैं। तो इसमें इतने रिस्क हैं कि आपके पैसे डूब भी सकते हैं, इसलिए आप इसमें उतने ही पैसे लगाएं जितने यदि आपके डूब जाए तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो आए, ज़्यादा परेशानी ना आए। और ये स्टॉक उनके लिए नहीं है जो स्टूडेंट हैं या जो रिटायर ले लिए हैं, उनके लिए नहीं है क्योंकि उनको एक फिक्स अमाउंट रहता है, उनकी सैलरी ये रेगुलर इनकम नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। जिनके लिए रेगुलर इनकम है कि एक बार लग गया डूब गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से पैसा आ जाएगा, उनके लिए ये है, वहाँ वो चांस ले सकते हैं। बाकी स्टूडेंट यदि है तो उसके लिए ज़्यादा हाई रिस्क है कि उनका पॉकेट मनी चला जाएगा, फिर तो दिक्कत होगी। आप ये सोच के लगा सकते हैं कि हाँ हमने दोस्तों के साथ गुलछरे उड़ा लिया, पार्टी दे दिया, तो ये मान के आप पैसे लगा सकते हैं, तो फिर आपका भी आने वाले समय में बल्ले बल्ले हो सकती है। तो जिसमें से हमारे पहली कंपनी है क्लेरा इंडस्ट्रीज़, आप देख सकते हो 5 साल में 378% रिटर्न, और 1 साल में आप इसका जब देखेंगे तो 1 साल में 137% का बहुत अच्छा रिटर्न होता है, 137%, और 6 महीने में देखेंगे तो 80%, वो भी 80% तब जब आप देखेंगे कितने परसेंट नीचे गिरी है, ये 20% नीचे गिरी है। इसका मतलब यदि आप 20% को जोड़ लें तो 6 महीने में 100% रिटर्न दिए, ये इतने ज़बरदस्त है। और ये कंपनी है 80 करोड़ की। जो मैं आज आपको पांच कंपनी बताने जा रहा हूँ वो उसका सभी मार्केट कैप 100 करोड़ से नीचे होगा, इसलिए ये बहुत ही छोटी कंपनी हुई। और पर छोटी कंपनी में पैसे लगाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और अच्छे से मल्टीप्लाई होंगे, अच्छे रिटर्न देंगे। इसलिए आप इसमें पैसे लगा के आपको छोड़ देना है जब तक के लिए बड़ी कंपनी ना हो जाए। और दूसरी कंपनी हमारी व्हाइट ऑर्गेनिक एग्रो लिमिटेड, एग्रो के लिए सेक्टर के लिए काम करती है, और 1 साल का इसका रिटर्न देखेंगे तो 36% नीचे गिरी है, और 5 साल में 83-84% नीचे गिर चुकी है। मैक्सिमम देखेंगे तो 217% का अभी भी रिटर्न दी है, लेकिन अब ये आने वाले समय में अच्छे परफॉर्म करेगी और ऐसा उम्मीद है कि ये आने वाले समय में कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसका मार्केट का बहुत छोटा है, और जो ये रेट है ना आपको 7 रुपया, ये भी बहुत सस्ता है क्योंकि इसका पी देख सकते हो 3, 3.5 के आसपास है, तो बहुत सस्ते रेट में मिल रहा है, आप इसमें भी पैसे लगा के छोड़ सकते हैं। दूसरी जो है न्यूली लिस्टेड कंपनी है ट्रांसबॉय, आज इसमें 10% का गिरावट देखने को मिला है, और ये कंपनी जो अभी लगातार भागी है आप देख सकते हो, 1 महीने में ही 60% का रिटर्न दे दी है, 60 रुपये के आसपास था 2 मई को, यूं सरासर भाग गई है। और ये अभी जस्ट कंपनी आई है, देख सकते हैं इसका 1 साल का चार्ट देखेंगे तो 2 फरवरी को आई है, 2 फरवरी 2023 में आई है, ज़्यादा दिन कंपनी को हुआ नहीं है, मार्केट कैप मात्र 26 करोड़ है, लॉजिस्टिक की कंपनी है। आप इसमें पैसे लगाएं, आपके पैसे मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद है हमारे श्री चैम रेजिन्स, रेजिन्स की कंपनी है, केमिकल की कंपनी है, अच्छी कंपनी, आज इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है, और 1 महीना देखेंगे तो गिरी है, 6 महीने में 62% गिर चुकी है, उसके बावजूद 1 साल में 80% और 5 साल में देखेंगे तो 532% रिटर्न दी है। इसका भी पी रेशियो मात्र 450 है, मतलब आने वाले समय में ये भी बड़े रिटर्न दे सकती है, और सस्ता रेट है ये, 5200 इसका 53 रुपया, सस्ता ही रेट कह सकते हैं। दूसरी हमारी जेनेक्स एमकोर लिमिटेड, 6 महीने में इसका देखेंगे तो 17-18% नीचे गिरी है, और 1 साल में 61% रिटर्न दी है, और 5 साल में देखेंगे तो 129% रिटर्न दी है, और मैक्सिमम देखेंगे तो 277% रिटर्न दी है। मार्केट कैप इसका भी मात्र 19 करोड़ है, 19 करोड़ की मात्र कंपनी है, और पीई देखेंगे तो मात्र 13 रुपया, 13 है। तो ये पांच कंपनी आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दे सकती है। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाले समय में ऐसे शेयर और भी मिले और इस तरह के आपको अपडेट रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलता रहे, ताकि आपको लॉस कम हो और बेनिफिट अधिक से अधिक हो, हमारी यही कोशिश रहती है।